top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businessmen. Big Tech, excellence with values. बड़ा मजा है, बहुत इंटरेस्टिंग थे. और जो स्पेशली जो मैं जो फील करता हूँ जो दिल्ली के लिए, बिकॉज बहुत सारे बॉक्सर, बहुत सारे एथलीट मेरे पास भी आते कि सर हमें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग सीखनी है, स्पोर्ट्स करना, लेकिन कहाँ करें. मैं भी सोचता हूँ कहाँ करें, बताइए. अभी बहुत सारे ग्राउंड हमारे पास नहीं है सर, बड़ी दिक्कत होती, बहुत परेशानी. जो आपने जो एक मैटर उठाया, आई होप कि जो लैंड जो खाली बचे हुए हैं, जो एक जो किसी काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ उनको जो बच्चों को दे दीजिए, बिकॉज वो कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी करेंगे. सो मैं इट्स ए गुड थिंग सर जो आपने इसको लिया है. मैं खुद इसको मानता हूँ कि जब तक बच्चों को प्ले ग्राउंड नहीं मिलेगी, तब तक आई डोंट थिंक सो कि स्पोर्ट्स का कुछ भला हो सकता है. एंड संदीप सर, इन्होंने बॉक्सिंग को बहुत सपोर्ट किया, बहुत पहले से हमारे साथ में, 2008 ओलंपिक के बाद से जुड़े हुए हैं और कई ऊंचाइयों तक ले गए बॉक्सिंग को. लेकिन सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा प्लीज़, बिकॉज आप यहाँ हैं, आप कर सकते हो उस चीज़ को, बिकॉज बॉक्सिंग फेडरेशन अभी हमारे मुल्क में है नहीं सर. अभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3 या 4 साल हो गए अभी, और एडो कमेटी वो रन करती है पूरी बॉक्सिंग फेडरेशन को. पहले अभय सिंह चौटाला जी थे, काफ़ी अच्छा चला, 10-12 साल रहे वो, लेकिन बाद में सर कोर्ट का मैटर हुआ, सब चीज़ें चली. बट सर मैं चाहूँगा कि इंडिया में बॉक्सिंग फेडरेशन हो, उसका कोई भी प्रेजेंट हो, आप बने, संदीप सर को बनाए, तो प्लीज़ एक बॉक्सिंग फेडरेशन हो जो बॉक्सर के हक के लिए लड़ सके और उनका जो एक प्रॉब्लम है सर उनको बता सके.